खबर रायपुर से मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित संबंधित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा 2022-23 की सीजन के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य है और तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। 1 नवंबर से धान खरीदी इस बार प्रारंभ हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इसके लिए विभाग समुचित तैयारी में लग गया है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह सरकार पिछले 4 सालों से यही कहती रही। छत्तीसगढ़ का किसान 4 सालों से परेशान होता आया है। यह लोग किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करवा पाए, बीज उपलब्ध नहीं करवा पाए, किसानों के बारदाने का पैसा आज तक नहीं दिया, किसानों का रकबा काट रही है। साथ ही कहा कि भाजपा के दबाव में 1 नवंबर से राज्य सरकार धान खरीदी शुरू करने जा रही है। सरकार पिछले 4 सालों से ऐसी ही बात करती रही है और 4 सालों से छत्तीसगढ़ का किसान परेशान होता रहा है। जो किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करवा पाए, जो किसानों को बीज उपलब्ध नहीं करवा पाए, वो सरकार क्या बात करेगी? किसानों का रकबा काट दे, किसानों के बारदाने का पैसा आज तक नहीं दिया है। 1,10,000 मीट्रिक टन 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। उसके लिए जो बारदाने की आवश्यकता है, आवश्यक तैयारियां हैं, उसके लिए आवश्यक बैठक किए गए। और चूंकि इस बार समय से पहले 1 नवंबर से ही धान खरीदी प्रारंभ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उसके लिए विभाग समुचित तैयारी में लग गया है।